आज यहाँ पे मेरे सामने एक बॉक्स रखा हुआ है जिसकी आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ आपके सामने। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेनू, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आप देख रहे हैं आलो दे डिजाइन्स और मैं हूँ रेनू। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे एक बॉक्स रखी हुई है और जिसकी अनबॉक्सिंग आज मैं करने वाली हूँ आपके साथ। अनबॉक्सिंग तो मैंने पहले ही कर ली है, बट शेयर करने वाली हूँ आज आपके साथ। सो मैंने आपको जैसे पहले ही बोला था, अगर मैं कभी भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ लाइक ज्वेलरी या ऐसे कोई चीजें, मुझे लगता है कि मुझे रिव्यू, एक जो जनरल रिव्यू होता है वो मुझे अगर आपको देनी है सो मैं जरूर दूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑनलाइन एक ज्वेलरी बाय करी थी, सो मैं चाहती हूँ कि एक रिव्यू दूं। सो यहाँ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, कि मुझे पैसे कमाने हैं इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये मैंने अपने लिए परचेस करी है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, सो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी ये चीज खरीद सकते हैं अमेजोन से, और अगर आपको पसंद नहीं तो कोई बात भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इसकी आज मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ। ये जैसे आप सबको पता है, ये एक कार्डबोर्ड में अमेजोन की तरफ से हमें चीजें मिलती हैं। सो चलिए ओपन करते हैं ये। तो फ्रेंड्स, ये ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसा बॉक्स हमारे सामने आता है। तो जब आप ये ओपन करेंगे तो आपको एक ऐसा बॉक्स रिसीव होगा जो एक ट्रॉली पैक में है। चलिए इसे ओपन करते हैं हम। फ्रेंड्स, ये जो ज्वेलरी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, मुझे रेट वाइज ये बहुत बहुत ही अच्छी लगी है, इसलिए मैं इसका रिव्यू देना चाहती हूँ। वैसे कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, हम ऑनलाइन चीजें मंगाते हैं और हमें चीजें अच्छी नहीं आती। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने कोई ऑनलाइन ज्वेलरी मंगाई है और मैं बहुत ही खुश हूँ। पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है ज्वेलरी, इसलिए आज मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ। सो जब ये हम बॉक्स ओपन करते हैं तो हमारी ये ज्वेलरी यहाँ पे है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वो ज्वेलरी जो मैंने मंगाई थी। ये नेकलेस का सेट है, इसके साथ आपको इयररिंग्स भी है और मांगटीका भी है। ये पूरा इस पे कुंदन वर्क हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा कुंदन का काम है। ये कोई जो आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी आपको जो स्ट्रीट मार्केट में मिलती है वो वाली ज्वेलरी नहीं है, ये बहुत ही अच्छा कुंदन का काम है। और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी और हैवी ज्वेलरी है। आप इसे किसी भी वेडिंग फंक्शन में या कोई बहुत अच्छी पार्टी हो वहां इसे बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। वेडिंग के अकॉर्डिंग ये बहुत ही बेस्ट है, चाहे ये ब्राइड पहने या तो आप पहने, बहुत अच्छा लगेगा ये आपके ऊपर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें फर्स्ट ये नेकलेस रिसीव हुई है। दूसरा मैं आपको दिखा दूं, इसके साथ यहाँ पे एक मांग टीका है जो भी बहुत प्यारा है, इसमें भी कुंदन का काम किया हुआ है। और ये फ्रेंड्स बहुत लाइट वेट है, सबसे अच्छी बात इसकी ये है। और यहाँ साथ में एक मोती हैंग किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। और ये एक मोती की चेन है साथ में जो आपको सिर पे लगाने के लिए काम में आएगी। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत सुंदर है। इसके साथ हमें दो चीजें और रिसीव हुई है, दो चीजें नहीं एक चीजें हैं, मीन्स पेयर है वो। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी इयररिंग्स है और ये बहुत लंबे इयररिंग्स हैं और बहुत ही सुंदर है। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल ये कैरी कर सकते हैं खाली इयररिंग्स, अगर आप चाहें तो खाली नेकलेस भी पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ये मिला है 499 में। अगर कभी ऑफर हो सकता है कि 10-50 आपको कम में भी मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आप चाहते हैं तो इसे बाय करें। और मुझे लगता है कि आपको ये खरीदना ही चाहिए क्योंकि इसकी वैरायटी बहुत बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे नहीं लगता कि 499 या 500 रुपीज में आपको इतनी अच्छी ज्वेलरी कहीं मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू। अब मैं आपको इसे पहन के दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। सकते हैं आप फाइनल ज्वेलरी का लुक ये है। मैंने यहाँ पे ये पूरी ज्वेलरी कैरी की हुई है और ये बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत बहुत सुंदर लग रही है। चाहे तो आप ये अपने लिए भी खरीद सकते हैं, अगर आप किसी को वेडिंग में गिफ्ट भी देना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी ज्वेलरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इयररिंग्स है जो बहुत लंबी लंबी इयररिंग्स है, अगर आप सिर्फ इयररिंग्स को गाउन के साथ कैरी करना चाहें तो भी बहुत अच्छी लगेंगी। अगर आप नेकलेस को इंडिविजुअली किसी ऑर्डर्स के साथ पहनना चाहें तो भी आप पहन सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चेन दी हुई है पीछे जो एडजस्टेबल है, तो अगर आप चाहें अपने अकॉर्डिंग इसे छोटी बड़ी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी
यहाँ पे इसे ये छोटी करके एडजस्ट कर लिया है। तो अगर आपको जैसे पहनना है आप वैसे पहन सकते हैं। इसका लुक बहुत ही अच्छा आने वाला है, साड़ियों पे पूरा सेट तो बहुत अच्छा लगने वाला है। और जैसे अगर हम इसके गोल्डन इस पे जो वर्क है, गोल्डन और वर्क तो नहीं बोलेंगे, जो गोल्डन और कुंदन का काम है, तो इस पे जो गोल्डन कलर है वो बहुत ज्यादा जो गंदा सा गोल्डन होता है वो नहीं है, बहुत अच्छा है और बहुत डिसेंट सा है। तो अगर आप चाहें तो ये ज्वेलरी परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग ये ज्वेलरी बहुत ही अच्छी है, 500 रुपीज में आपको कहीं नहीं मिलने वाली ऐसी ज्वेलरी। सो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, मेरी ज्वेलरी पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बहुत बहुत शेयर करें। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आपको लेना हो तो आप वहां से जाके ले सकते हैं।